नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी, यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पिनाइल इम्प्लांट। पिनाइल इम्प्लांट के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि हमने वीडियोस डाले हैं, करीबन 5-6 वीडियोस इस तरह के हैं जिनमें कि हमने पिनाइल इम्प्लांट के बारे में बताया कि वो क्या है। और इसमें हम चर्चा करेंगे कि पिनाइल इम्प्लांट में क्या कॉमन जो है क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में। कई सारे लोग मेरे को थ्रू वेबसाइट और थ्रू सीइंग माय वीडियो वो दे सवाल पूछते हैं कि भाई पिनाइल इम्प्लांट में ऐसा तो नहीं होता। तो उन सब कॉमन सवालों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो है कि क्या पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी में दर्द होता है या ये पेनलेस होती है। तो जो भी सर्जरी पिनाइल इम्प्लांट की होती हैं वो हम एनेस्थीजिया में करते हैं, और जो एनेस्थीजिया होता है वो जो है वो स्पाइनल एनेस्थीजिया में कराया जाता है। इसमें पीठ में एक छोटा सा एक सुई से आपको सुन कर दिया जाता है, इसलिए कोई पेन नहीं होता। ये तो सर्जरी के टाइम की बात है कि जब हम सर्जरी करते हैं तो पेन नहीं होता, और उसी समय हम कुछ नर्व ब्लॉक्स भी लगाते हैं ताकि आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेन ना हो। और इसके बाद जब हम आपको डिस्चार्ज करते हैं तो पेन किलर्स पर डिस्चार्ज करते हैं, और वो करीबन 1 से 2 हफ्ता चलती है। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर कितना समय लगता है पिनाइल इम्प्लांट को ऑपरेशन को पूरा करने में। तो ज़्यादातर केसेस में अगर ये हम पिनाइल इम्प्लांट कर रहे हैं तो आधा घंटे के करीब समय लगता है। और अगर कोई रिवीजन सर्जरी है, ज़्यादातर मेरे पास कई सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि बाहर से रिवीजन सर्जरीज भी कराने के लिए आते हैं, या फिर री इम्प्लांट होता है, किसी ने मेलेबल इम्प्लांट लगाया हुआ है और उसके बाद उसको 3-पीस इम्प्लांट जो है वो लगाना पड़ता है। तो फिर ऐसे केसेस में जो है वो समय 1 घंटे करीब लगता है, पर ज़्यादातर केसेस में मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आप की सर्जरी पूरी हो जाती है, और विद इन 1 आवर और 2 आवर्स आप जो है ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाते हैं। तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, पिनाइल इम्प्लांट में जो है कितने दिन तक हमें घर पे मतलब कि हॉस्पिटल में जो है कितने दिन रहना पड़ेगा, और कितने दिन बाद मैं वापस से काम पे जा पाऊंगा। तो जो पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी होती है ये डे केयर सर्जरी भी है अगर ये जनरल एनेस्थीजिया में करी जाती है। स्पाइनल एनेस्थीजिया की वजह से हमें 1 दिन के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। जो पिनाइल इम्प्लांट के बाद आप विद इन 1 वीक 1 हफ्ते के अंदर आप अपने काम पे लौट सकते हैं, और नॉर्मल जो अपना जो भी अपना जो काम कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। चौथा सवाल ये होता है कि पिनाइल इम्प्लांट के बाद जो है हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सेक्स करने में हम कब इसको वापस से जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जवाब ये है कि हम ज़्यादातर केसेस में जब 3-पीस इम्प्लांट लगाते हैं तो हम उसकी साइकिलिंग करना सिखाते हैं आपको। तो वो इम्प्लांट की साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, और वो हम 3 to 4 वीक्स में स्टार्ट कर देते हैं, और बाई 6th वीक मतलब 6 हफ्ते के अंदर ही आप अपने सेक्सुअल एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं, वापस से कर सकते हैं। पांचवा सवाल ये आता है कि अगर मेरे को डायबिटीज़ है डॉक्टर साहब और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्या ये इम्प्लांट मेरे लिए सेफ है? क्या डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी इम्प्लांट लग सकता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल, जो भी स्टडीज़ अभी तक हुई हैं पिनाइल इम्प्लांट्स के ऊपर, मैक्सिमम जो पिनाइल इम्प्लांट की जो इंडिकेशन होती है वो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। जो डायबिटीज़ होती है उसमें जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो इम्पोर्टेंस की जो अगर हम देखें तो वो 5 गुना अधिक मात्रा में होता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो उनका जो रिस्क है वो 5 टाइम्स होता है डायबिटीज़ का कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होए, और वही इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ही ये पिनाइल इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब सारी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, जब इंजेक्शन फेल हो जाते हैं, हमने सब कुछ कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी जो एंड ऑफ द टनल है कि पता अब कोई रास्ता नहीं है, तो पिनाइल इम्प्लांट कराया जाता है। पिनाइल इम्प्लांट जो है ये भी एक सवाल है कि भाई पिनाइल इम्प्लांट कब करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई डॉक्टर बता रहे हैं कि पिनाइल इम्प्लांट ही बेस्ट ट्रीटमेंट है, पिनाइल इम्प्लांट ही है। तो यस, पिनाइल इम्प्लांट जो है वो परमानेंट ट्रीटमेंट है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका इंडिकेशन। इंडिकेशन वही है कि सबसे पहले हमने दवाइयाँ दी, दवाइयाँ देने के बाद हमने देखा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दवाइयाँ देने के बावजूद जब हम दवाइयाँ 1 महीने या 2 महीने तक उसको शुरू में देते हैं, उसके बाद इंजेक्शन है, शॉकवेव थेरेपी है, उसको यूज़ करके देखते हैं, अगर उसके बाद भी लगता है कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे पेशेंट्स में पिनाइल इम्प्लांट इज द फाइनल आंसर। इसके बाद सवाल आता है कि
पिनाइल इम्प्लांट में कि डॉक्टर साहब कौन सा पिनाइल इम्प्लांट बेस्ट है, क्या इंडियन रिजिड इम्प्लांट बेस्ट है? कुछ डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंडियन बहुत अच्छा है, दूसरा है कि भाई विदेशी अच्छा है कि नहीं है। तो दो चीज़ें हम देखते हैं कि सबसे पहले कि एक तो कि कॉस्ट अगर हम देखें तो जो कॉस्ट है वो पिनाइल इम्प्लांट की, तो जो इंडियन इम्प्लांट है उसकी कॉस्ट काफ़ी कम है और जो विदेशी इम्प्लांट है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। जो बेस्ट इम्प्लांट है वो थ्री पीस इम्प्लांट है। थ्री पीस इम्प्लांट तीन कंपनीज बनाती हैं, एक कोलोप्लास्ट है, दूसरा AMS है और तीसरा जेफर कंपनी है, जो कि कोलोप्लास्ट इज़ US, AMS इज़ US बेस्ड कंपनी, अमेरिका की है, और तीसरी कंपनी जो जेफर है वो स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, यूरोपियन इम्प्लांट है। तो ये तीन जो है विदेशी इम्प्लांट होते हैं और थ्री पीस इम्प्लांट जो है वो बेस्ट इम्प्लांट है। अगला सवाल ये आता है कि भाई ये बेस्ट इम्प्लांट क्यों है? तो उसका सिंपल जवाब ये है कि जो हमारा अगर हम अपना शरीर देखें तो हमारे शरीर में भगवान ने पीनिस के अंदर कोई बोन नहीं बनाई। तो जो कुछ वीडियोस इस तरह के हैं जिनमें बताया जाता है कि आपका बिल्कुल बोन की तरह सख्त रहेगा, हमेशा आप तैयार रहेंगे, आपने रिजिड इम्प्लांट लगाया तो आप हमेशा के लिए हमेशा रेडी हैं, आपको रेडी होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ यही आपसे निवेदन है कि आप सोचिए कि हम जो हमेशा सेक्स तो नहीं कर सकते, सेक्स करने का एक समय होता है, एक विधि होती है, एक विधान होता है, एक टाइमिंग होती है जिसमें पार्टनर के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पिनाइल इम्प्लांट जो है वो उसमें ये एक फ़ायदा होता है जो थ्री पीस या टू पीस इम्प्लांट लगाने का कि वो कंसील्ड होता है, अगर आपके पूरे कपड़े उतार दिए भी जाएँ तो भी कोई नहीं एक बता पाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर कोई पिनाइल इम्प्लांट लगा है अगर वो थ्री पीस या टू पीस इम्प्लांट लगा है। जबकि रिजिड इम्प्लांट में ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें रॉड डली होती है तो वो हमेशा ही सामने की तरफ इरेक्ट रहती है। तो भगवान ने कोई हड्डी नहीं बनाई है पीनिस में, इसी वजह से जो मैकेनिज्म है वो ये है कि ब्लड पीनिस के अंदर रहता है और उसकी वजह से जो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म होता है, हाइड्रोलिक मीन्स जो पानी के ऊपर बेस्ड होता है, तो जो थ्री पीस या टू पीस इम्प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि आपने बटन दबाया तो एक रिजर्वॉयर से पानी जो है वो पीनिस के अंदर गया और फिर आपका जो है इरेक्शन हो गया। जब आपको सेक्स आपने कर लिया तो दोबारा से आपने एक बटन दबाया और वो वापस चला गया। तो ये हाइड्रोलिक मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल जो हमारी नॉर्मल इरेक्शन होती है बॉडी में बिल्कुल उसी की तरह से बनाया गया है, बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि जो भगवान ने इरेक्शन दिया है वैसा कोई नहीं दे सकता, बट दिस इज़ नेक्स्ट टू द बेस्ट, इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो जो रिजिड इम्प्लांट है वो आपको इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट वाला इरेक्शन जो है वो नहीं दे सकता। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि लोग इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि भाई अब मैंने इंडियन इम्प्लांट लगाया, सस्ता है, टिकाऊ है और आप हमेशा इरेक्शंस के लिए रेडी रहेंगे, कभी भी आपको बोनर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रादर प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आप किसी वजह से उसको कंसील नहीं कर पाए तो आप लोकल पब्लिक में या कहीं पर भी वो हमेशा ही इरेक्ट रहेगा, उसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। द ओनली इंडिकेशन इज अगर कभी कभी क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है तो यस, अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो इंडियन इम्प्लांट इज़ वेरी गुड, बेटर देन द मेलिएबल इम्प्लांट जो कि दूसरे इम्प्लांट्स हैं उनसे वो फिर भी बेहतर काम करता है। इसके अलावा कभी कभी ये रहता है कि डॉक्टर साहब अगर मेरा इम्प्लांट जो है वो ऐसा तो नहीं होगा कि हमने इरेक्शन किया और वो वापस से नहीं जाएगा, खड़ा ही रह जाएगा और वापस से अगर हम बटन दबाए तो आज तक अभी तक कोई भी ऐसा ये केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और ना ही मैंने अभी तक अपने किसी एक्सपीरियंस में देखा है कि इरेक्शन हुआ और वापस से ट्रीटमेंट्स ना हुआ, वो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है ये कुछ भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में, तो वो आज हमने चर्चा करी। इसके अलावा लोगों को रहता है कि इम्प्लांट में इन्फेक्शन हो सकता है और इम्प्लांट में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो इन्फेक्शन जो है लेस देन 1% केसेस में होता है। और इसके अलावा जो हमारा ब्लड लॉस है वो 50 से 100 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता, उससे भी कम होता है। जो इसका इंसिजन होता है वो इतना छोटा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई आप पूरे कपड़े भी उतार दिए जाएं तो भी आपको कोई नहीं बता पाएगा कि कहाँ पे इंसिजन लगा है, बिकॉज वो जो पीनिस और जो स्क्रोटम के बीच में अंडर सरफेस में 3 cm का इंसिजन होता है जिससे कि ये सर्जरी करी जाती है। तो अगर आपको ये आज हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी सारे जो सवाल होते हैं उनके ऊपर आगे भी हम यही जो है सिलसिला जारी रखेंगे,
जहाँ हम बात करेंगे कि इम्प्लांट्स जो हैं 3 पीस के डिफरेंट कंपनीज के, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या हम उसको कैसे चूज़ करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए और मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।